हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है बरसात के बहुत ही खूबसूरत फूलों के ऊपर, जो कि है रेन लिली के फ्लावर। तो रेन लिली हमारे यहाँ जो पौधा है पूरे साल सर्वाइव करता है, पूरे साल रहने वाले पौधों में से एक ये भी है। आपको बस इसमें फ्लावर नहीं मिलेंगे और ये इस तरह से घास नुमा ये रहेगा आपके यहाँ पूरे साल भर। और इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है जब बारिश की बूंदें इसमें पड़ती हैं। बारिश का जब जैसे ही छींटे आती हैं, बारिश का मौसम आता है, इसके फूल खुद ब खुद अपने आप निकलने लगते हैं। इसमें दो तीन तरह के कलर और भी आते हैं, जैसे कि पिंक हो गया, वाइट हो गया, तो वो भी बल्ब के थ्रू आपको किसी भी जो प्लांट की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये फ्रेंड्स जो ये येलो कलर वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनमें शीट्स भी बनती हैं। किस तरह से, देखिए, ये पहले आपका फ्लावर रहेगा। फ्लावर को जैसे ही हमने आपको दिखाया, इसमें मधुमक्खियाँ आती हैं और बैठती हैं, इनका पॉलिनेशन करती हैं, फिर उसके बाद इसमें ये शीट बन जाते हैं। ये शीट पॉट ऐसे ही रहेगा और सूख के फिर ब्लैक कलर के शीट्स बन जाते हैं इसमें। और वो जब झड़ते हैं तो वो भी आसानी से उग जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से इसमें कई सारे शीट्स तैयार हो जाते हैं और ये झड़ के खुद ब खुद अपने आप निकलने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ला सकते हैं, नर्सरी से इसको लगा सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से यहाँ नीचे ये मैंने ये डाल दिए शीट और ये अपने आप ही गिर गिर के उगाए हैं, छोटे छोटे से हैं ये। ये देखिए, और सुबह हो गई है, सुबह यहाँ पर तितलियों का आना चालू हो गया है, भौरे भी है। मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक वीडियो में आपके संग शेयर किया था कि ये पर्सलिन के फ्लावर है और इसमें मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे आती हैं, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आती हैं। तो एक मुझे ये दिखी है, देखिए इसका पॉलिनेशन कर रही है और अपने लिए खाना बना रही है, खाना ले रही है इनसे। और फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी तितली है, इन पीले पीले फूलों में मंडरा रही है। और इधर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ बैंगन की, जो मैंने बताया था ना कि बैंगन के पौधों के पास मैंने ये अपने फ्लावरिंग प्लांट रखे हैं, तो इसमें भी बटरफ्लाइज आती हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं और इसमें बैंगन के पौधे पे भी आने लगी हैं। तो ये अभी कहीं छुप गई है, आई थिंक मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊँगी क्योंकि इसका कलर कुछ ऐसा ही है, शायद उड़ गई। नहीं, हाँ शायद उड़ गई है। तो अभी कुछ पौधे मेरे यहाँ हैं फ्लावरिंग वाले,